हेलो एवरीवन, फेस टॉक में आपका स्वागत है। मैं शम्स। आज हम जानेंगे हितेश रामजी जावेदी की पोर्टफोलियो के बारे में, उनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में, कौन कौन सा शेयर्स वो होल्ड कर रहे हैं, कौन से में उनका कितना स्टेक है, कितने परसेंटेज अभी लेटेस्ट जो प्रोफाइल है उनका, उसके बारे में जानेंगे। और अभी तक आपने अगर मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर का आइकन यहाँ नीचे आ रहा होगा, अब उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आ सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हितेश रामजी जावेरी, आपने शायद नाम सुना होगा अगर आप काफ़ी दिनों से एक्टिव हैं या स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो हितेश रामजी जावेरी का आपने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस इन्वेस्टर हैं, राइट। और इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो है ये मतलब अदर इन्वेस्टर की तरह कम पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट नहीं करते। मोस्टली जो इन्वेस्टर हैं जैसे राकेश झुनझुनवाला हैं या आशीष कचोलिया हैं या पोरिंजो वेलियाद हैं, राइट, जो अदर इन्वेस्टर हैं उनका मोस्टली आप अगर पोर्टफोलियो देखेंगे वो अराउंड 30 के आसपास होता है। मतलब 30 कंपनी, 30-35 के आसपास होता है। मैं भी जब होल्ड करता, अभी रिसेंटली कर रहा था, तो मेरे पास भी 30 के आसपास अप्रॉक्स मैं रखता था अपनी पोर्टफोलियो में। तो मोस्टली मैंने भी देखा जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके पास ऑलमोस्ट वो 30 से ज़्यादा एवरेज नहीं रखते। लेकिन हितेश रामजी जावेरी जो हैं इनका मैंने होल्डिंग देखा, इनका ऑलमोस्ट ज़्यादा है, काफ़ी इन्होंने शेयर्स होल्ड करके रखा है। तो चलिए आज देखते हैं कौन कौन से शेयर्स में उनका कितना परसेंटेज है, कितना स्टेक है, राइट, एक बार डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे देखिए एसर सिक्योरिटीज़ है, इस पे इसका जो प्राइस अभी चल रहा है 1.69 रुपये का, राइट। तो इसमें क्वांटिटी आप देखिए, काफ़ी क्वांटिटी उनके पास है और 14% इस कंपनी का स्टेक हितेश रामजी जावेरी के पास है। तो मतलब कंपनी का 40% स्टेक इनके पास है और इसकी जो वैल्यू है वो 14% का वो है 34.31 लाख, राइट। तो इसमें आप ये सारी कंपनी अगर आप देखेंगे, अनेरी फिनकैप, सन सिटी सिंथेटिक, महासागर ट्रैवल, राइट, शायद इन सब कंपनी का आपने नाम नहीं सुना होगा। तरई फूड, क्रैनेक्स, राइट, आपने शायद ये नाम सुना होगा। सेंचुरी इनका लिमिटेड, राइट। तो मोस्टली ये सब कंपनी आप देखेंगे काफ़ी मतलब अलग तरीके का इनकी स्टॉक पिकिंग एबिलिटी है। डिफरेंट तरीके के कंपनी को ये पिक करते हैं और मोस्टली जो ये पिक करते हैं वो पेनी स्टॉक को करते हैं। मतलब आजकल मैंने देखा है काफ़ी लोग पेनी स्टॉक ढूंढते रहते हैं। पेनी स्टॉक का मतलब होता है जो छोटे छोटे स्टॉक होते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये का स्टॉक। तो अगर वो 1 रुपये से 2 रुपये होता है तो रुपी टर्म में आप अगर देखें आपका पैसा सिंपल डबल हो रहा है, 1 रुपये से 2 रुपये हो रहा है। तो लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करें जब तक आप उसको पूरी तरीके से एनालाइज नहीं करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको कुछ पता नहीं होता है, या आपने सिंपल दूसरों का इन्वेस्टमेंट देखा, उनकी स्ट्रैटेजी देखी और उसके पीछे उसके बेस पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, या फिर आपके पास टिप्स आता है, टिप्स के बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मैं बार बार हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ, कभी भी टिप्स के बेसिस पे आप शेयर्स ना लें, आप एटलीस्ट उसे एनालाइज कीजिए, राइट, देन उसके बाद आप उसको ले सकते हैं। पेनी स्टॉक तो बिल्कुल आप अवॉइड करें। आप अगर फर्स्ट टाइम ट्रेडर हैं, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा आपको, आप निफ्टी 50 या निफ्टी 100 या 200 में पहले इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहले समझिए स्टॉक मार्केट को सही से, टेक्निकल एनालिसिस समझिए, फंडामेंटल समझिए। जब आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल हो जाए सही से आप समझ लें, राइट, देन उसके बाद फिर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जो रिसेंटली 6 मंथ से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जिनको साल भर भी अभी हुआ है और इतने डिटेल में नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पेनी स्टॉक पे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट इनिशियली ना करें। आप दूसरे का प्रोफाइल देख रहे होंगे या कंपेयर करेंगे कि ये स्टॉक तो 1 साल में डबल हो गया, 3 डबल हो गया, राइट, ट्रिपल हो गया। तो ऐसा कोई भी स्टॉक देख के आप कभी भी ना लें। जब आपको पूरी तरीके से एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको चीज़ें समझ आएगी, तब आप लें। क्योंकि अभी मैं अगर समझाने लगूं पेनी स्टॉक की पूरी कॉन्सेप्ट आपको बताने लगूं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और जिस पर्पज़ से मैंने वीडियो बनाया है तो वो पर्पज़ सॉल्व नहीं होगा। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पेनी स्टॉक नहीं लेना चाहिए। लेकिन जैसे कि आज हम हितेश रामजी जावेरी का पोर्टफोलियो देख रहे हैं तो इसमें
पेनी स्टॉक है, इसके लिए मैं उसकी जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ये देखिए आप 1.5 रुपये के आसपास का, 3 रुपये, 4 रुपये, 16 रुपये, राइट, ऑलमोस्ट सारे पेनी स्टॉक मतलब जो 10 रुपये से कम का होता है, या जो 100 रुपये से कम का भी होता है उसको हम उतना अच्छा स्टॉक नहीं मानते, राइट। तो ये सारी कंपनी आप अगर देखेंगे तो इसमें इतनी ज़्यादा फेमस कंपनी नहीं है, पर इन्होंने अपने बेसिस पे एनालाइज़ किया है। मेरा शेयर करने का पर्पस ये है कि आप एटलीस्ट ये जो कंपनी है, शायद आपने इनका नाम नहीं सुना होगा, आप इन कंपनी को आप अगर 1 साल या 2 साल 3 साल से आप ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारी कंपनी आपके टारगेट में होना चाहिए। आप एक बार इसको एनालाइज़ कीजिए, और जब आपको सही मौका मिलता है, जब शेयर्स बेस प्राइस में हो, तब आप इसको बाय कर सकते हैं। जब एक स्टॉक ऊपर ऊपर हायर हायर हो रहा हो, एक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे हो, उस टाइम पे आप अवॉइड कीजिए इसको बाय करना, और हमेशा स्टॉक को आप बाय कीजिए जब वो नीचे से एक सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ रहा हो, एक बेस प्राइस पे आके ऊपर बढ़ रहा हो, तब उसे लीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा कि आप ऑलमोस्ट इनिशियली निफ्टी 100 या 200 शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो ये आप शेयर्स देख रहे हैं, ये करेंट प्राइस है, ये क्वांटिटी है, कितने क्वांटिटी शेयर्स इनके पास है, ये होल्डिंग परसेंटेज है, और ये होल्डिंग वैल्यू है। तो अब और नेक्स्ट देखते हैं, और कौन सी शेयर्स इनके पास हैं, ये सब आप कंपनी देखिए, विलियमसन, श्री स्टील वायर, राइट, जेनिथ बिरला, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट, बेलापुर इंडस्ट्री, बेमको हाइड्रोलिक, एमपी एग्रो इंडस्ट्री, हरिया एक्सपोर्ट, इनमें से बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिनका नाम मैंने सुना भी नहीं है पहले, और ये सारे ऑलमोस्ट जो कंपनी हैं सारे पेनी स्टॉक हैं, सारे 10 रुपये के आसपास से कम के हैं, कुछ महंगे भी हैं, लेकिन मोस्टली आप आइदर ये स्मॉल कैप हैं या फिर पेनी स्टॉक के अंदर अंदर ये आते हैं, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी हैं। और भी शेयर्स हैं, आप देख रहे हैं एक साथ काफ़ी शेयर्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, कम से कम 60 के आसपास इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 60 कंपनी के अंदर। हिंदुस्तान, हैडी स्पाइसर, KLK इलेक्ट्रिकल, गर्क, एमको, काफ़ी सारी कंपनी है, श्रीराम एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कोची मलाबार इस्टेट, ITD सीमेंटेशन, DIC इंडिया, काइनेटिक इंजीनियरिंग, काफ़ी सारी कंपनी में इनके इन्वेस्टमेंट है। किसी किसी कंपनी में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, 54 करोड़्स। तो मोस्टली आप यहाँ पे देखिए लैक्स में है, तो कहीं कहीं उन्होंने करोड्स में किया है, तो उस कंपनी में काफ़ी उनको कॉन्फिडेंस होगा, तभी उन्होंने किया। 2.33% है, लेकिन उसकी अगर आप रुपी टर्म में देखें, देखिए उसका जो प्राइस है, जो टोटल उनको कॉस्ट पड़ रहा है 54 करोड़ के आसपास का है। तो और भी कुछ शेयर्स हैं वो भी हम देख लेते हैं एक बार, टोटल कंपनी एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी है उनके पास। तो ये लास्ट है, इसका मतलब 15 15 करके आप अगर काउंट करें तो अप्रॉक्स 60 कंपनी के पास उनके पास होल्डिंग है। और ये जो तीन कंपनी लास्ट का आप देख रहे हैं, रास रिजॉर्ट, VKC कैपिटल, और ये जो कंपनी आप देख रहे हैं, ओमेगा AG सीड्स, ये तीन कंपनी रिसेंटली उन्होंने इसमें एंट्री लिया है, तो आप अभी इन तीनों को थोड़ा ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने एंट्री किया है। तो आप इसमें अगर एनालाइज करेंगे, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट हॉराइजन कम से कम 1 2 3 साल के ऊपर ही आप सोचें, ऐसा नहीं कि आज इन्वेस्टमेंट करें 2 महीने बाद या 1 महीने बाद आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए। इस पर्पस से अगर आप इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे तो शायद आपको रिटर्न ना मिले, हो सकता है आपको मिल जाए लक बाय चांस, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है जो भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट हॉराइजन होती है वो अप्रॉक्स 3 साल 5 साल 10 साल के आसपास का कंपनी की रिटर्न देखते हैं पहले, देन उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये जो रिसेंटली इन्होंने जिस तीन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, इस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने बाय किया है। इनमें से अगर आप किसी में करते हैं, ये जो कंपनी है या इससे जो प्रीवियस कंपनी है, आप अगर ये कंपनी देखें, ये कंपनी सारी आप अगर देखें, या ये कंपनी आप देखें, या जो सबसे पहले मैंने आपको दिखा दी, ये जो सारी कंपनी की लिस्ट मैंने आपको शेयर किया है, ये हो सकता है उन्होंने 2 3 साल पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर ये डबल, जब जिस प्राइस पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, और अभी सपोज ये प्राइस है 36 का, सपोज ये 10 रुपये का था इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये 3 टाइम्स ऑलरेडी अगर रिटर्न दे चुका है, तो अब अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि आपको उतना अच्छा रिटर्न ना आए। तो इसी के लिए मैं आपको बता रहा था, जो अभी उन्होंने रिसेंटली एंट्री किया है, इसको आप अगर एनालाइज करके इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छे रिटर्न आने के चांसेस हैं।
और फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे किसी का भी प्रोफाइल आप अगर देखते हैं, सिर्फ मेरा शेयर करने का पर्पस है कि आपको इसके जो शेयर्स हैं, इनके डीपी में जो शेयर्स हैं, इनके पास जो अभी होल्डिंग है, आप उस शेयर्स को एनालाइज कीजिए, सिर्फ समझिए कि उन्होंने किस बेसिस पे बाय किया है, क्या पर्पस है, उसको एनालाइज करने के लिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। और कभी भी अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो एटलीस्ट फंडामेंटल देखिए कंपनी का, देन उसके बाद जब आप बाय करें तो एक टेक्निकल एनालिसिस थोड़ी बहुत आप करके, देन उसके बाद आप लें। वैसे मैं सेमिनार्स कंडक्ट करता हूँ, दिल्ली में कंडक्ट करता हूँ, गुड़गांव में करता हूँ, अदर सिटीज़ में भी करता हूँ, और मेरा पर्पज़ भी यही है कि मैं वीडियो जो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जहाँ पे मैं सेमिनार्स कंडक्ट नहीं कर पाता हूँ या जहाँ पे मैं क्लासेस नहीं दे पाता हूँ, वहाँ तक लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोगों में फाइनेंस, स्टॉक मार्केट से लेकर जो लिटरेसी है, फाइनेंस को जो नॉलेज है, वो बहुत लैक ऑफ नॉलेज के वजह से काफ़ी लोगों को काफ़ी लॉस होता है। तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके जिससे वो एक अच्छा रिटर्न अर्न कर सके। और एटलीस्ट अच्छा रिटर्न भी नहीं हो, एटलीस्ट जो लॉस होता है उनका, वो लॉस एटलीस्ट उनका सेव हो सके, लॉस ना करें। अगर आप लॉस करना बंद कर देंगे तो प्रॉफिट अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा। आप पहले प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप पहले ये सोचिए कि कैसे मेरा लॉस कम होगा। जितना लॉस आप कम करेंगे, राइट, लॉस को जितना आप कवर करेंगे, प्रॉफिट अपने आप होगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में हर कोई अर्न करता है और लाखों करोड़ों में अर्न करते हैं, और आप अगर सही से समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और सही अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा रियली कमा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।